तो भाई तुम गप्पी ब्रेड करना चाह रहे हो और तुमने गप्पी ब्रीडिंग के लिए डाला, जिसमें तुमने देखा कि फीमेल को मेल चेस कर रहा है और उसके कुछ वक्त बाद फीमेल के बॉडी में कुछ चेंजेस हुए हैं, जैसे कि उसका बेली का साइज़ बड़ा होना या उसका ग्रेविट स्पॉट विजिबल होना। और अब तुम ये सोच रहे हो कि ये बच्चे कब देने वाली है, क्योंकि तुम बहुत एक्साइटेड हो इसके बच्चे देखने के लिए और तुम नहीं चाहते हो कि कोई दूसरी मछलियाँ इसके बच्चे को खा ले, और तुम इसे प्रोटेक्ट करना चाहते हो। तो आज मैं तुम्हें चार साइंस बताऊंगा। तो गप्पी फिश बहुत ही जाना माना मछली है फिश कीपर्स के बीच में। ये एक लाइफ बियरर फिश है, मतलब ये सीधे बच्चे देती है, ना कि अंडा देती है। गप्पी फिश बहुत ही अग्रेसिव होती है अपने बच्चों के प्रति, वो उन्हें खा सकती है। इसी के लिए सब उसे सेपरेट करते हैं ताकि बच्चे को बचाया जा सके। ब्रीडिंग से 25 से 35 दिन के बाद फीमेल गप्पी बच्चे देना शुरू करती है। मतलब इसका कोई एग्जैक्ट डेट नहीं है कि गप्पी कब बच्चा देगी, बट कुछ फोर मेजर साइंस है जो मैं आपको बताऊंगा, जिसके बदौलत आप अपने गप्पी फिशेस को सेफ रख पाओगे। तो सबसे पहला साइन है बैली फॉर्मेशन, जिसके मदद से आप समझ सकते हैं कि आपकी गप्पी बच्चे देने वाली है। तो गप्पी का बैली स्क्वायर शेप का हो जाता है जब वो बच्ची देने वाली रहती है। इसमें काफ़ी लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, क्योंकि गप्पी प्रेग्नेंट होना और गप्पी के बच्चे देना का शेप्स अलग होता है। जब गप्पी प्रेग्नेंट होती है तो वो सेमी सर्कल दिखती है, और जब गप्पी रेडी रहती है बच्चे देने के लिए तो वो स्क्वायर शेप्ड हो जाती है। तो स्क्वायर शेप्ड अगर आप अपनी गप्पी को देखते हो तो आप अलग कर सकते हो उसे। अगला साइन है ग्रेविट स्पॉट। ग्रेविट स्पॉट गप्पीज के बैली के नीचे रहता है, एनल फिन के पास। ये वैसे तो हमेशा ही होता है, पर जब गप्पी प्रेग्नेंट हो तो इसका साइज और कलर चेंज होता है। ये काफ़ी डार्क रहता है, और जब गप्पी प्रेग्नेंट हो तो इसका रंग फैलता चला जाता है। ये एक बहुत ही खास साइन है गप्पी का प्रेग्नेंट होने का मालूम करने के लिए। तो अगला साइन है नेस्टिंग। नेस्टिंग में गप्पी अपने आप को आइसोलेट करने के लिए जगह ढूंढने लगती है। वो एक्वेरियम्स के कोने में स्टिल रहती है, एक ही जगह तैरते रह सकती है, पानी के ऊपर कोने में या पेड़ पौधों के पीछे या किसी भी डेकोरेशन के अंदर वो अपना एक एरिया बनाती है जहाँ पे वो खुद को सेफ फील कर सके और वहाँ पे बच्चे दे सके, ताकि उसे और कोई ना खा सके। इस दौरान गप्पी बहुत ही एग्रेसिव हो जाती है और वो चेस करना शुरू कर देती है दूसरे फिशेस को, जो उसे उस टाइम पे स्ट्रेस या परेशान कर रहे हो, स्ट्रेस दे रहे हो। तो अगर तुम्हारी गप्पी में नेस्टिंग के साइंस दिख रहे हैं तो उसे तुरंत ही आइसोलेट कर दो। एक छोटे स्पंज फिल्टर या एयर स्टोन के साथ पावर फिल्टर का यूज़ मत करना, उसमें गप्पी के फिशेस एब्जॉर्ब होके मर सकते हैं। और कुछ प्लांट्स ऐड कर देना ताकि वो खुद को सेफ और स्ट्रेस फ्री महसूस करे, अपने आप को छुपा के उसके बीच में। और प्लांट्स बहुत ही अच्छा हाइडिंग स्पेस बनता है छोटे बच्चों के लिए, ताकि वो खुद को प्रोटेक्ट कर सके। अगला पॉइंट है रैपिड ब्रीदिंग। जब गप्पी काफ़ी जोर जोर की सांसें लेने लगे, जो आप इसे इसके गिल्स देख के समझ सकते हो, तो ये बहुत ही अच्छा और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपकी गप्पी बच्चे देने वाली है। जब भी मेरी गप्पी ऐसा करती है तो मैं उसे तुरंत ही आइसोलेट कर देता हूँ, और 90% केसेस में गप्पी बच्चा देती ही है अगले एक दिन के अंदर। तो इन चार साइनों की मदद से आप अपनी गप्पी के बच्चे बचा सकते हैं और अपनी फिश हॉबी को बढ़ा सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। तुम कमेंट सेक्शन में बताओ कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर बनाओ।